गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव। आई एम पूजा। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितनी गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गर्मी में मतलब इंसान सांस तक भी ना ले पा रहे हैं। और हमारे जैसा जो मतलब होते हैं, जो घर में रहते हैं, घरेलू होते हैं, जो घर का ही रिस्पॉन्स लेते हैं, उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो मतलब सब के जिम्मेदारी ले लेके खुद के लिए जो टाइम है वो ही ना निकल पाते हैं। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है और मैंने खुद के लिए थोड़ा निकाल के भी रखी हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैं बीमार थी, तो उस टाइम मैं कुछ नहीं कर पाई अपने मतलब जो केयर होते हैं, स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर, कुछ नहीं कर पाई। तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम निकाला और है भी, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ कर लेते और आप लोगों से शेयर भी कर लेते। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं करने वाली हूँ ब्लीच। जो देख सकते हैं गर्मी के कारण मेरे फेस में ये सब हुआ है, तो आज मैं ब्लीच करूँगी। तो ब्लीच कैसे करूँगी, किस चीज़ से करूँगी, बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। आप लोगों को शायद ब्लीच नाम सुनते ही डर लगते हैं, जे ब्लीच मतलब तो इतने सारे केमिकल है, तो बिल्कुल केमिकल नहीं है। जो हमारे घर में पड़े हुए हैं उस चीज़ से मैं आज ब्लीच बनाऊँगी और एकदम ये नेचुरल होगा। तो चले वीडियो शुरू करते और दिखाते हैं उस ब्लीच में क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने लिया एक टमाटर और एक आलू और यह ये है मुल्तानी मिट्टी, जो मतलब ब्लीच में हमारे काम आएगा। तो ये दो चीज़ अब मैंने आलू और टमाटर पहले से वॉश करके रखी हूँ। अब इसको करना है मुझे ग्रेट, मतलब इसको मुझे, इससे मुझे जूस निकालना है। तो मैं इससे ग्रेट करूँगी, इससे ग्रेट करके फिर मैं इसका जूस निकालूँगी। तो आप लोग, मैं जूस निकालती हूँ, आप लोग देखिए मैं कैसे जूस निकालती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अभी ये जो आलू है ये मैं ग्रेट कर लेती हूँ, ग्रेट करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये मैंने टमाटर ग्रेट कर लिया, ये मैंने आलू ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसका जूस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं देखिए, ठीक है, मैं हाथ से ही करती हूँ। हाथ से करने से एक मतलब अपने अंदर से एक फीलिंग आएगा जो हाँ अब हो गया है, चम्मच से इतना पता नहीं चलता। तो मैं हाथ से ही करके दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं ये हो गया टमाटर का रस। अब मैं कर देती हूँ आलू। अब देखिए इसमें जो ये झाग निकला है, ये जो झाग सा है, इसका मतलब ये रिएक्शन करना शुरू हो गया। तो ये हो गया मेरे मतलब, अब इसमें मैं दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालूंगी। अब तो इसमें मैंने दे दिया, अब इसमें ये चीज़ मुझे मिक्स करनी है। तो इसमें थोड़ा सा रस जो कम हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा रस इसमें डालूंगी जो है।
ये हो गए हैं मेरे ब्लीच। अब मैं इसको देखिए ये कैसे लग रहा है, ये एकदम थोड़ा सूखा सूखा सा है, ऐसे है। अब मैं मेरे हाथ में लगा के दिखाती हूँ ये कैसे यूज़ करना है। ये आप कोई ब्रश के साथ भी कर सकते हैं या आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो इसको आपको ऐसे सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा बस मेरे फेस में भी देख सकते हैं। और मैंने पहले दिखाई, मैंने हाथ पे लगाई थी और थोड़ा सा ज़्यादा रह गया था, वो मैंने मेरे फेस में लगाई तो मेरे फेस भी थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है और मेरे हाथ तो आप देख ही सकते एकदम ऐसा लग रहा है। मैंने कुछ इसमें पाउडर वगैरह या फाउंडेशन वगैरह लगाई पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने मेरे हाथ एकदम क्लीन है। मैंने अभी जस्ट मतलब 5 मिनट बाद मैंने धोके मैंने अभी तक कुछ नहीं लगाई, जस्ट धोके बस आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना और ये ज़रूर ट्राई करना घर पर। तो ये है आज की वीडियो, तो आप लोगों तो आज इतना तक ही है। आप लोगों को कैसा लगे बार बार बोल रही हूँ, अब कमेंट करके प्लीज़ बताना कैसा लगे, कैसे लगा है, और घर में ज़रूर ट्राई करना। तो बस, और सब अपना ख्याल रखना, बी पॉजिटिव रहना, और बस इतना तक ही आज की वीडियो। नमस्ते।